तो खबर दुनिया की में पहले बात दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार हाफिज सईद की जो अमेरिका ने जिसे एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा के स्टूडेंट्स विंग को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है, साथ ही उसके दो नेताओं को आतंकी घोषित कर बैन लगा दिया है। आतंकी हाफिज सईद को लगा एक और झटका। लश्कर ए तैयबा पर अमेरिका की एक और चोट। लश्कर की छात्र इकाई आतंकी संगठन घोषित। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक हाफिज सईद पर अमेरिका ने एक और कड़ा प्रहार कर दिया है। लश्कर ए तैयबा पर बैन लगने के बाद से नाम बदल बदल कर दहशत फैलाने वाले हाफिज सईद को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। लश्कर ए तैयबा की स्टूडेंट्स विंग अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके दो नेताओं पर बैन भी लगा दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पहली बार आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद लश्कर ने अपना नाम बदलना शुरू कर दिया। लश्कर ए तैयबा ने मुखौटा संगठन बनाए ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके। अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स लश्कर ए तैयबा की ही छात्र इकाई है। साल 2009 में अस्तित्व में आया AMS भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रमों और युवाओं के लिए दूसरी गतिविधियों को लेकर लश्कर के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर काम करता है। अमेरिका ने लश्कर ए तैयबा के दो शीर्ष नेताओं को दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन घोषित किया है। लश्कर के आतंकी मोहम्मद सरवर और शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। मोहम्मद सरवर और शाहिद महमूद दोनों पाकिस्तान में रहते हैं। लश्कर ए तैयबा के ये दोनों नेता आतंकी समूह की गतिविधियों को मदद करने के लिए धन की उगाही करते हैं। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने लश्कर ए तैयबा की स्थापना की थी। आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर ए तैयबा को 2001 में अमेरिका ने बैन कर दिया था, जिसके बाद से लगातार नाम बदल बदल कर हाफिज सईद आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है। इसी कड़ी में उसने स्टूडेंट विंग भी बनाया था, लेकिन अमेरिका ने उस दहशत की स्टूडेंट विंग पर भी नकेल कस दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब बात करते हैं इस साल दुनिया में हुई कुछ बड़ी घटनाओं की। साल 2016 में प्रकृति की मेहरबानी कुछ कम ही देखने को मिली। सहारा डेजर्ट में बर्फबारी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी, तो गर्मी के मौसम में क्रिसमस का सेलिब्रेशन कई जगहों पर फीका पड़ा। कनाडा की बर्फबारी भी इस वक्त ध्यान खींच रही है, लेकिन कई देश ऐसे थे जिन्हें साल 2016 में प्रकृति के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2016 कई मायने में इस बार रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हुआ। जहां एक तरफ दुनिया भर में कई देशों में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, वहीं दूसरी तरफ कई देशों ने प्राकृतिक आपदाओं की मार भी झेली, जिनमें से कई डिजास्टर्स ऐसे थे जिनका नाम इतिहास के पन्ने में तो शामिल हुआ ही, साथ ही इनकी वजह से जान माल का भी भारी नुकसान हुआ। चलिए आपको बताते हैं साल 2016 के कुछ बड़े नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। ताइवान में इस साल फरवरी में आए भूकंप ने करीब 116 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। भूकंप की तीव्रता 6.4 आकी गई थी और इसके झटके कई मीलों तक महसूस किए गए थे। इस भूकंप की वजह से तेनान में स्थित वेंगवान गोल्डन ड्रैगन हाई राइज टावर ढह गया था, जिससे शहर को काफी नुकसान हुआ था। साल 2016 के जून महीने में लगी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग ने तबाही मचा दी। ये आग इतनी भयंकर थी कि इसकी वजह से 82,000 अमेरिकियों को अपना घर खाली करना पड़ा। आग को बुझाने के लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन 4 महीने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते आग 9,000 एकड़ तक फैल गई। बता दें कि अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य में इस साल हुई आगजनी की घटनाओं में लगभग 1,000 घर जलकर खाक हो गए और कई लोगों की मौत भी हुई। साल
साल 2016 में सितंबर के महीने में चीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफान मेरांती ने तबाही मचाई। एजेंसियों के मुताबिक ईयर 1949 के बाद से ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान है। तूफान के चलते शंघाई में इस साल की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मेरांती के चलते 10 लाख से ज्यादा घरों में तबाही मची और कई ट्रेनों को रद्द किया गया। इस तूफान में 8 साल पुराना एक पुल भी ढह गया। बता दें कि मेरांती तूफान से सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि ताइवान को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस साल अमेरिका में कई तूफानों ने तबाही मचाई, लेकिन अक्टूबर में आया तूफान मैथ्यू काफी विनाशकारी रहा। मैथ्यू के चलते करीब 1000 लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए। कई इलाके बुरी तरह तबाह हुए और फ्लोरिडा में तो राष्ट्रपति ओबामा ने आपातकाल भी घोषित किया। अटलांटिक महासागर में उठा ये तूफान एक दशक का सबसे ताकतवर तूफान माना गया। इस तूफान से हैती के शहर जर्मी के 90% मकान ढह गए। न्यूजीलैंड में नवंबर में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में इस साल चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई जगहों पर जमीन ऊपर आ गई तो कहीं मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। इसे फॉल्ट रप्चर कहा जाता है, जो न्यूजीलैंड में पहली बार देखा गया। हालांकि इस भूकंप में सिर्फ 2 लोगों की ही जान गई, लेकिन जमीन के ऊपर उठ जाने से वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। अब वैज्ञानिक इसका कारण जानने के लिए भूकंप पीड़ित इलाकों में जाकर शोध कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में आया 6.4 तीव्रता के भूकंप ने इस साल इंडोनेशिया को बुरी तरह हिला दिया। भूकंप की वजह से करीब 100 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। एजेंसियों के मुताबिक भूकंप के वक्त इंडोनेशिया की कई इमारतें ढह गईं। दरअसल इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यानी ऐसा इलाका है जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा लगातार बना रहता है। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा द्वीप पर 9.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी ने कहर पर पाया था। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान वर्दा ने इस साल दिसंबर में भारत के 2 राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को अपना निशाना बनाया। तमिलनाडु में वर्दा के चलते करीब 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं आंध्र प्रदेश में तूफान से भारी तबाही मची। दोनों राज्यों में हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए, सड़कें जाम हुई और यहां तक कि कारें भी हवा में उड़ती दिखाई दी। और अब बात उस महिला शक्ति की करते हैं जिनके नाम साल 2016 रहा। आप भी देखिए, साल 2016 यकीनन महिलाओं का साल नहीं था। इनफैक्ट इस साल ने महिलाओं को कई उम्मीदें तो दी, लेकिन नतीजे बेहद ही निराशाजनक थे। वो कैंडिडेट जिसकी जीत की हर किसी को उम्मीद थी, वो कैंडिडेट जो अमेरिका को उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट देती, वो शख्स ऐसे कैंडिडेट से हार गई जिस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस दर्ज थे। दूसरे हिस्से में जहां सत्ता पर महिलाओं का राज था, ब्राजील और साउथ कोरिया, उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा। इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों में बच्चों और महिलाओं को किडनैप किया गया, उन्हें सेक्स स्लेवरी की ओर धकेला गया। तो कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने लड़ाका बनकर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को धूल चटाई। जानते हैं साल 2016 की उन रिमार्केबल महिलाओं और लड़कियों की कहानी जिन्होंने ये साल अपने नाम किया। मौत से घिरी सीरिया का हर मंजर चीख पुकार से भरा है। जमीन से लेकर आसमान तक जंग का मैदान बन चुके इस देश के बच्चों की आंखों से अब आंसू तक नहीं टपकता। खौफ के साए में सिसकते इस देश में 7 साल की एक मासूम हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आई। वो है बाना अल अबेद। सात साल की बाना सीरिया का आईना बन दुनिया की सामने आई। अपनी माँ की मदद से बाना ने एक ट्विटर अकाउंट बनाया और फिर इसके जरिए बाना ने दुनिया के सामने एलेप्पो की हकीकत रखी। सितंबर महीने में ट्विटर के जरिए बाना ने एलेप्पो की बिखरती तस्वीरों को दुनिया के सामने पेश किया और 2 महीने के अंदर ही बाना को 1,57,000 से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे।
बीच में बाना के एयर स्ट्राइक में घायल होने की खबर भी आई, लेकिन फिर वो टर्की में सुरक्षित मिली। अफगानिस्तान की पहली महिला रैपर पैराडाइज सरूरी का ये साल काफी खतरों से भरा रहा, लेकिन इस हिम्मत वाली ने हार नहीं मानी। कट्टरपंथियों के दक्षिणी बंधनों को तोड़ते हुए पैराडाइज ने अफगानिस्तान की आधी आबादी की आवाज को दुनिया के सामने रखा। हिजाब की जगह बेसबॉल कैप से अपना सिर ढकने वाली अफगानिस्तान की ये हिम्मत वाली न सिर्फ अपने करियर या अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियों में रही, बल्कि पैराडाइज सरूरी की हिम्मत को उस वक्त पहचान मिली जब उन पर लगातार जानलेवा हमले हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी। रातों रात हुई टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगन के तख्तापलट की कोशिश ने 2016 में पूरी दुनिया की निगाहें इस देश की राजनीतिक हालातों पर जा अटकाई थी। सरकार ने कानूनी कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर गोलियां बरसाई तो हजारों को सलाखों के पीछे डाल दिया। इन लोगों में वो शामिल थे जो तख्तापलट में विद्रोहियों के साथ थे, और वो भी जो कि तख्तापलट की नाकाम कोशिशों के बावजूद सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, और उन्हीं में थी नूरिये ग्लूमेन को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से वो अपने हक के लिए बैनर लेकर अकेले ही प्रदर्शन करती नजर आई। इस दौरान उन्हें 30 बार से ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्हें टर्की में देश के आवास के तौर पर देखा जाने लगा। अमेरिका की एक रेप विक्टिम की आवाज पूरी दुनिया की उन लड़कियों की आवाज बनी जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार रही हैं। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई इस वारदात में पूर्व तैराक ब्रॉक एलन टर्नर को 23 साल की लड़की के रेप का दोषी पाया गया था, लेकिन टर्नर को सिर्फ 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन इस सुनवाई के दौरान विक्टिम ने फैसले पर नाराजगी जताई और रेपिस्ट को जमकर लताड़ा। उसने जो भी बातें कही वो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हुई। में उद्योग जगत भी महिलाओं के फेवर में नहीं दिखा। दुनिया भर की 500 बड़ी कंपनियां जहां महिलाओं को लीड के तौर पर पेश किया गया, वहां उन लीडर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए सभी 21 फीमेल सीईओ को कांटे की टक्कर मिली, लेकिन कार निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स की सीईओ मैरी बारा ने अपनी कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बिजनेस वर्ल्ड में इस साल महिला शक्ति का लोहा मनवाया। मोस्ट पावरफुल वुमेन 2016 सूची में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का नाम सबसे पहले है। इसके साथ ही मर्केल फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल पीपल 2016 सूची में भी तीसरे स्थान पर हैं। ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन में अहम किरदार निभाने वाली एंजेला मर्केल का साल 2016 उतार चढ़ाव का रहा। ग्रीस के आर्थिक संकट और शरणार्थियों के लिए अपने देश के दरवाजे खोलने के लिए मर्केल के नेतृत्व की काफी प्रशंसा की गई, तो फिर साल के अंत तक शरणार्थियों की वजह से मची उथल पुथल के लिए उनकी आलोचना भी हुई। क्लिंटन यूएस का राष्ट्रपति चुनाव हार गई,
लेकिन उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा लिया है। इतिहास उन्हें उस पहली महिला के तौर पर याद रखेगा जिसे एक मेजर पार्टी की ओर से टिकट मिला और वो अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी। ना सिर्फ उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर डोनाल्ड ट्रंप को कांटे की टक्कर दी बल्कि दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति की उम्मीदों की अलख जलाई। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।